हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्क। तो अभी तो बजे है फिलहाल लगभग लगभग एक। मैं अभी उठा हूँ क्योंकि कल रात से दबा के मेरे को सर्दी खांसी जम के पकड़ा। बाकी मैं गोली दवाई खा के उसको छुटवा लिया। फाइनली अभी जाऊंगा मैं मेडिकल। तो उस दिन झरना के लिए जो हम लोग लाए थे वो तो झरना के मतलब मेरे लिए जो लाए थे वो तो झरना के में फिट हो गया, परंतु कल गए थे झरना लोग तो मेरे लिए ला दिए हैं। देखिए यहाँ से और सेम झरना जैसे केस ये। चलिए इसको फाइनली हम करेंगे फिटिंग फाटन। वैसे इसको फिटिंग करने से पहले हर दिन की भांति आज भी मैं आपको जबरदस्त एक फैक्ट बताता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि तितली को सुनने की क्षमता नहीं होती, पर वो वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। कितने लोग को ये पता था कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे को खुद नहीं पता था, मैं आप लोग को गूगल से निकाल के बता रहा हूँ। तो चलिए फिट करते हैं। जबरदस्त है। इस केस के साथ मेरा मोबाइल में चार चांद लगने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसमें दिया है, देखिए कभी भी आप लोग स्क्रीन गार्ड या कुछ भी केस लगाते होंगे, स्क्रीन गार्ड वगैरह, तो देखिए इसमें एक और दो। ये तो इसमें अल्कोहल का मात्रा होता है, ये थोड़ा सा सूखा रहता है। तो पहले अल्कोहल का मात्रा वाले को पहला नंबर को इसमें फाड़ के मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको सफाई। अच्छा ये हो गया, अब इसको रखते हैं साइड में। अब दो नंबर को फाड़ते हैं, ये एकदम सूखा रहता है, इसको भी कर देते हैं साफ। वैसे अल्कोहल दारू ही होता होगा क्या? पता नहीं, बाकी अल्कोहल तो लिखा रहता है उसमें, उसका मात्रा रहता होगा, है ना। अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए तो सेम है उस दिन जैसे मैं मंगाया था मेरे लिए, देख सकते हैं। चलिए इसको फटाफट लगा देते हैं बिना देरी किए। फाइनली लग चुका है, आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। अब ये तो लग गया, इसके साथ मेरे को लगाना है केस। ये ट्रांसपिरेटेड वाला है, तो मोबाइल का सुंदरता जो आप खरीदते हैं मोबाइल को देख के, उसका सुंदरता ट्रांसपिरेटेड से ही मिलता है। बाहर भी है। तो गाइस देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, जबरदस्त। इसके साथ अच्छा मैच किया ना। अंदर में मैं ग्लास लगाया हूँ तो उसके वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी अच्छा ही दिख रहा है ना। का वेदर का बात करें तो देखिए धूप तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। दिन छोटा, दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है गर्मी के दिनों में। इसे देखिए हमारे साइड का वेदर, अभी कुछ दिन पहले बारिश हो दिया, शादी शादी टाइम में ही हुआ। ऐसा टाइम में जैसे अपन लोग लग्न निकालते हैं पंडित लोग से दिखा के, तो वो लोग बताते हैं कि शादी हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर उसी लग्न में फिर पानी भी आ जाता है, पता नहीं कैसे में आता है। दादी है घर में, पानी का है आ जाता है जिस दिन शादी होता है उस दिन इंद्र खुश हो जाता है। अच्छा शादी हो रहा है बोल के आशीर्वाद देने ऐसा। हमारे बाबा लोग अभी नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलता है, यहाँ बुलावा वहाँ बुलावा। इनका एक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे हमारे साइड घी पूरा पूजा होता है, बाहर में तो पूरा जैसे अष्टपहरी हम लोग करते हैं, हमारे साइड में उस टाइप का मस्त सजा के वो लोग घी पूरा करते हैं, जबरदस्त होता है बाहर बाहर एरिया में। तो मैं इधर आया तो देखा इन लोग का कुछ कुछ, देखिए यहाँ पे ये धूनी बोलते हैं इसको हमारे कास्ट में। तो अभी ठंड के दिनों में बाबा लोग इसको जला के सोते हैं, बोलिए अगल बगल में, क्योंकि ठंड तो काफ़ी ज़्यादा रहता है और इतना ठंड में भी बस बक्कल को पहन के सोते हैं। सोचिए 4 बजे सुबह उठ के नहाते भी हैं इतना ठंड में, सोचिए। उसके बाद नहाने के बाद बस वही आग वाग के पास बैठते हैं थोड़ा देर, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं सदा दिन। अरे रामेश्वर बाबा थे, मैं जब बचपन में मैं तो बहुत छोटा था तो मेरे को भूतो भूतो बोलते थे, भूत भूत बोलते थे ऐसे, मतलब प्यार से बहुत अच्छे थे वो। उनका फोटो भी आपको दिखाया हूँ, वो अपना शरीर को त्यागे फिर हमारे देवानंद बाबा उनका जगह को लिए, फिर वहाँ जाके सोचिए वहाँ गादी में, उड़ीसा गादी में, वहीं से बक्कल पहनते हैं पहनाते हैं, बोले कैसे कैसे रहता है उनका नियम, फिर वहाँ से फिर चल के आना रहता है। सोचिए यहाँ तक रुक रुक के कैसे आते हैं, बाकी वहाँ से चल चल के फिर यहाँ पहुँचे, फिर उनका फिर पूजा पाठ
किए बोलिए सब लोग। महाराज जी एक छोटा सा आम लगाए हैं, देखिए ज्यादा हाइट भी नहीं हुआ है पर इसमें आम लगने वाला है। पता नहीं ये इसका जो आम होगा उसका भार को उठा पाएगा कि नहीं, पर फल तो जबरदस्त लगेगा। यहाँ से देख सकते हैं छोटा छोटा अभी भी दिख रहा होगा। ये जैसे लेट मत जाए, बाकी वहाँ पे देखिए वहाँ दो तीन है हमारा, वो भी मस्त होगा इस बार, पिछले बार भी हुआ था तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें भी मस्त होगा, फल लगेगा। तो गाइस आज हमारी चंचल सिस्टर का बर्थडे है तो मैं तो मैसेज किया था, बाकी झरना ने की है, मम्मी ने की है, लगाइए फोन। नहीं उठाई, चंचल कुछ कर रही होगी, सो रही होगी कि बर्थडे का तैयारी चल रहा है। ये हमारी चंचल सिस्टर हमारे ब्लॉग में आते रहती है। ये कब का है? शादी के टाइम। अच्छा चुन्नू के शादी ना, चंचल बनाई है वीडियो। अच्छा नाच रही है। ले अच्छा नाच रही है ने। और रिसेप्शन के टाइम का है ना? हाँ। तुम्हारे मोबाइल में सीरी काम कर रहा है कि नहीं? करता है। बोलो तो चंचल को फोन करने। Hey Siri, what is time? Hey Siri, are you there? What is time? It's 1:40 PM. गुड़का चमका करने से नहीं बताती है। सही। प्यार से बोलना पड़ता है। नहीं मम्मी। ये फाइनली हमारी चंचल सिस्टर का फोन आ गया। हेलो। Happy birthday, चंचल। सो रहे हो क्या? नहीं, वो बर्तन धो रही थी। आज तो कम से कम आराम कर लो, बर्थडे है तुम्हारा। आराम करने काम तो करना पड़ता है। एक चीज तुमको पता है कि नहीं, सीरी को तुम जोड़ घटा भी पूछोगे कुछ भी चीज तो वो तुमको हाथ से करना नहीं पड़ेगा, बस मुंह से बोलना है वो कर देगी। पूछो तो $100 इन INR बोलो तो। Hey Siri, $100 in INR. तो तुम उसको छेड़ो मत मोबाइल को ऐसी इस कर। Hey Siri, $100 in INR. $100 is 886 rupees and 80 paise. देखे अब कुछ जोड़ घटा बोलो। Hey Siri, 2+2 is equal to. The answer is 4. देखे दे वही था मेरे को। Hey Siri, 78+79 is equal to. It's 157. तुरंत गेम आ, बहुत फास्ट है ये। ना अब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको पूछ सकते हैं? नहीं। पूछना है कुछ? Hey Siri, 2×3 बराबर कतेक होयल? I'm afraid I couldn't find anything about that. नहीं बुझला। नहीं समझते इंग्लिश कहाँ से, इसके लिए दिन भर लाएंगे जो बोलेंगे। गाइस फिलहाल बजे हैं अभी रात के 8 और यहाँ हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे भैया जीजा सभी लोग। चंचल का बर्थडे है तो हम लोग आए हैं थोड़ा पत्थल गांव केक लेने, उसके बाद मनाएंगे। तो उम्मीद है दुकान खुला हो, हम लोग चलिए देखते हैं यही सेंट्रल वेंट्रल से लेंगे ना। कहाँ से लेंगे? सेंट्रल से, कि वहाँ स्पेशल केक बनता है वहाँ लेने चले। कॉफी हाउस वहाँ फ्रेश मिलता है, बाकी यहाँ भी सबसे ज्यादा डिमांडिंग तो दोनों जगह का है बोले, कॉफी हाउस और अपना सेंट्रल रेस्टोरेंट, ये दोनों खुला है। चलिए यही साइड में खड़ा कर देते हैं। देखो रे छाटो, ये नया है ना काजू वाला है, ये रसमलाई वाला 380 पड़ता है कॉफी हाउस में, बाकी मेरे ख्याल से यहाँ 4-4.5 में ही आता है। इधर कौन बताएगा केक का? ये रसमलाई वाला कितने का है? 460। 500। ये वाला कितना? ये वाला 460। और कितने कितने का? 360, 360, 400। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कॉफी हाउस, वहाँ तो नहीं मिला हम लोग को जो चाहिए था, तो हमने पता किया मिल जाएगा वहाँ, चलिए यहीं पास में है बगल में। रसमलाई वाला नहीं है का? रसमलाई वाला, अरे वो पूरा केक चाहिए छोटो। नहीं है आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार वाला कौन सा है केक? सब बुधवार वाला है, फ्रेश मिलता है भैया। चलो बताओ ना प्राइस कितना कितने का है? 300 से 350। ये 400। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है ना, इसका कितना?
पीछे डालना रे भाई, इधर उधर नहीं लगना। मोमबत्ती भी ना, ये कैसा वो टाइप का फुलझड़ी टाइप का निकलेगा क्या? फुकने से बुझेगा तो? की फुकने से नहीं बुझेगा। चलो ठीक है, मतलब पूरा वेट करना पड़ेगा हम लोग जब बुझने तक। तो गाइस चलिए पहुंच गए और यहाँ पे हमने बर्थडे का शुरुआत कर भी दिया आरती चंदन के साथ। हुड़हुड़ी मारो रे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चंचल, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बंद नहीं होगा, फूंक के देखो, फूंक के देखो। चलो 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 चलो, क्या चलिए चलिए चलिए, केक कटिंग हो जाए। अब जबरदस्त वाला केक लाए हैं हम लोग, ये बुधवार वाला केक है। बुधवार बुधवार जस्ट लग रहा है। छोटा सा मैं खा लेता हूँ केक के लिए, मैं बहुत प्रेमी हूँ। जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये वाला देखिए, ये जो है ये पाइन एप्पल है। जबरदस्त भैया, इसलिए मैं आ गया सीधे घर। हमारे घर में एक और मेहमान आया है, देखिए इसको लाई है झरना। यहाँ रख देते हैं ऐसा, अब इससे ज्यादा लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ओवर टाइप का लगेगा, तो इसलिए इतना ही रहे। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो देख के आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, बाय।